के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के सीएम और जजों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने टेक्नोलॉजी पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, न्याय की देरी कम करने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, इससे देश के सामान्य नागरिकों को न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसले तक को समझना मुश्किल होता है और हमें व्यवस्था को आम जनता के लिए सरल बनाने की जरूरत है। इस ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बिहार की तरफ से कानून मंत्री प्रमोद कुमार शामिल हुए थे। पूर्णिया में कृत्यानंद नगर के परोड़ा में तैयार बिहार का पहला एथनॉल यूनिट का सीएम नीतीश कुमार और राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन उद्घाटन करेंगे। ईस्टर्न इंडिया बायोफिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ की लागत से यूनिट को तैयार किया है, जिसमें प्रतिदिन 65,000 लीटर एथनॉल तैयार करने की क्षमता है। अधिकारियों ने बताया कि यूनिट में प्रतिदिन करीब 145 से 150 टन चावल या मक्के की जरूरत होगी। जाहिर है यूनिट खुलने के बाद पूर्णिया समेत सीमांचल के किसानों को इससे फायदा होगा। दावा किया जा रहा है कि इसके बाद 3 और एथनॉल यूनिट, जिसमें से 2 गोपालगंज में है और 1 आरा में बन रहा है, जिसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। प्लांट में तैयार एथनॉल को ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचा जाएगा। इसके लिए तेल कंपनियों से 10 साल का करार किया गया है। बिहार में 151 एथनॉल इकाइयों की स्थापना के लिए कुल 30,382 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भी मौजूद रहे। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ कई राज्यों के सीएम ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। पीएम ने टेक्नोलॉजी पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, न्याय की देरी कम करने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जा रहा है। बिहार में प्रचंड गर्मी के बीच सीतामढ़ी में तेज हवा के साथ बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई, जिसमें मौसम सुहाना हो गया, लेकिन किसानों ने बताया कि फसलें आम लीची सहित घरों की भी भारी संख्या में क्षति हुई है। जिले में कुल मिलाकर लाखों का नुकसान हुआ है। पटना के राजा बाजार फ्लाईओवर पर लग्जरी गाड़ी में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। गाड़ी में बचे लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं देखते ही देखते आग का शोला बन गया। सूचना के बाद तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल जांच की जा रही है गाड़ी में आग कैसे लगी, लेकिन इस दृश्य में जरा गौर से देखिए कि चलती गाड़ी में किस तरीके से आग लग गई और पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। नालंदा में रहोई थाना क्षेत्र के दुलचंदपुर गांव में स्वच्छ करने गए एक बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम योगेंद्र साहब स्वच्छ के लिए गए थे, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटे। खोजबीन की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। शनिवार की दोपहर पैन से शव मिला है। परिजन को आशंका कि स्वच्छ के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में चले जाने से डूबकर मौत हो गई है। राज्य में उत्पन्न हुई गंभीर बिजली संकट, पेयजल और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला की ओर से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल की अगुवाई में चास नगर निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। चास के पटेल मार्केट से बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। इस पैदल मार्च में धनबाद सांसद और बोकारो विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान चास नगर निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। पूरे झारखंड में बिजली समस्या गहराती जा रही है। पावर कट से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और राजधानी रांची में पीक आवर में लोड शेडिंग से लोग परेशान है। गर्मी में लोगों का हाल बुरा है। जहां पीक आवर में राजधानी में डिमांड 270 से बढ़कर 300 मेगावाट हो गई है, वहीं विद्युत सप्लाई घटकर 240 मेगावाट हो गई है, जिससे लगातार बिजली की कटौती जारी है। लगातार बिजली नहीं रहने से गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कुलान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के डायलिसिस वार्ड में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि इमरजेंसी वार्ड में करीब 110 मरीज इलाजरत है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। हालांकि आग की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से मरीज और परिजन काफी डर गए। मरीजों को निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया।
जमशेदपुर के मर्सी अस्पताल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र सिद्धगोरा के AIWC स्कूल में पढ़ता था। स्कूल के लौटते समय यह हादसा हुआ। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सिद्धगोरा मुख्य सड़क को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं भीषण गर्मी को लेकर सभी स्कूलों को 10:30 बजे तक ही खोलने का आदेश दिया गया है। इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस इन दिनों एक्टिव दिख रही है। गढ़वा में मैडौल थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर दुलदुलवा पंचायत के भौराहा जंगल में संचालित दर्जनों अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया। साथ ही मौके पर 17 ड्रम जावा महुआ को नष्ट किया। छापेमारी में भारी मात्रा में जावा महुआ और शराब बनाने का उपकरण नष्ट किया गया। बोकारो में बिना पद के स्वीकृति के ही टीचरों की पदस्थापना हो गई। ट्रेजरी से वेतन भी दिया जा रहा है। DEO कार्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बिना पद के स्वीकृति के ही उत्क्रमित हाईस्कूलों में 2019 में नियुक्त एक दर्जन टीचरों की पदस्थापना कर दी गई। पदस्थापना DC की अध्यक्षता वाली शिक्षा स्थापना की बैठक में निर्णय के आधार पर हुआ। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पद सृजित और स्वीकृति के बिना 2 वर्ष से शिक्षक शिक्षकों का वेतन निकासी ट्रेजरी से किस प्रकार हो रहा है। इस संबंध में DEO कार्यालय के कर्मी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि DEO ने इस कार्यालय की गलती माना है। उनका कहना है कि कार्यालय की गलती के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है। स्कूल चंदन खियारी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय सहारजोरी चास प्रखंड के शिबू तांड और मानगो में ये लापरवाही देखी गई है। निरसा के सिकेरी एंटरप्राइजेस नाम कोयले की अवैध भट्टे में जिला खनन विभाग ने छापेमारी की और लगभग 200 टन अवैध कच्चा कोयला जब्त किया। इसके साथ ही एक ट्रक पर लदा कोयला और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया। खनन विभाग की औचक छापेमारी होते ही कोयला भट्टा के अंदर मौजूद कोयला चोर भागने में सफल रहे। बेरो के चानो थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ एक नाबालिग लड़का ने दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि पड़ोस का रहने वाला लड़का बहला फुसलाकर बगल के घर के छत पर ले गया और दुष्कर्म किया। मृत की मां ने जब बच्ची को घर पर नहीं देखा तो आसपास में खोजबीन की और इस दौरान पड़ोसी के छत से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब छत पर गई तो बच्ची के साथ दुष्कर्म करते लड़के को रंगे हाथ पकड़ा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी लथीरा ने सुसाइड मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि जिस तरीके से पूरे मामले में खबरें आ रही हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि लथीरा के मामले में उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने दिनदहाड़े दुकानदार रंजीत साहब की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि झरिया थाना क्षेत्र के ऊपर कुल्ही निवासी MRF 4 दुकानदार रंजीत साहब के दुकान नकाबपोश अपराधी शुक्रवार के दोपहर दुकानदार को एक के बाद एक गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने के बाद दुकानदार वहीं गिर गया। सूचना पाकर मौके पर झरिया थाना प्रभारी पंकज कुमार झा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अपराधियों की तलाश में जुट गए हैं। कैमूर में माता मुंडेश्वरी मंदिर परिसर के पास 2 दिवसीय माता मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री रामप्रीत पासवान शामिल हुए। इसके साथ ही कैमूर के MLC संतोष सिंह, DM नवदीप शुक्ला समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। महोत्सव में कई प्रसिद्ध कलाकारों ने अपने कला और धुन से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कलाकारों ने लोकगीत में सोहर झूमर भी प्रस्तुत किया। PhD मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने बताया कि कोरोना काल के कारण मुंडेश्वरी महोत्सव नहीं हुआ, एक बार फिर महोत्सव को शुरू किया गया है। हम मां से कैमूर के साथ बिहार के कल्याण की कामना करते हैं। सरायकेला जिले के चांडिल का बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बनाए गए डैम के मुख्य नहर गागोडी स्थित गागोडी पुनर्वास कॉलोनी चांडिल के निवासी बबलू लायक की डूबने से मौत हो गई। 2 दिन पूर्व से बबलू लायक अपने घर से गायब थे। परिजन काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला था, लेकिन आज बबलू का शव शहर के लोगों ने देखा, जिसके बाद स्थानीय थाना को सूचना दी गई। इसके बाद नहर से शव को निकाला गया। शरीर में कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल शव को भेज दिया गया है। भागलपुर में अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब अचानक गिर गया। पुल के पिलर संख्या 5, 4, 6 का स्लैब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 3:30 बजे अचानक जोरदार आवाज हुई और देखते ही छत स्लैब गिर गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुल निर्माण निगम के कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इसकी जानकारी अपने अधिकारियों को दे रहे हैं और बताया कि तकनीकी जांच टीम पटना से घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। गंगा पुल का स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य 8 महीने पहले ही पूरा हुआ था।
औरंगाबाद के (coughs)